अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह आईटेल का एक मोबाइल है, इसको किस तरह आपने अनलॉक करना है। इस पर पासवर्ड लगा हुआ, इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आईटेल IT5618M। तो इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। ये एक SPD का फ़ोन है, SPD चिप इसके अंदर लगी हुई है। तो SPD को अनलॉक करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो इसके लिए आपके पास मेरिकल बॉक्स का क्रैक होना या डिवाइस होना ज़रूरी है। तो मेरे पास क्रैक है, मैं यहाँ से आपको क्रैक से इसको अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा। तो आपने यहाँ पे SPD सेलेक्ट कर लेना है। SPD के बाद रीड अनलॉक का ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है या रीड इनको। उसके बाद यहाँ पे आपने इसका CPU सेलेक्ट करना है। CPU आपने जो सेलेक्ट करना है, या तो आप 6531 सेलेक्ट कर सकते हैं या 6631 सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दो में से कोई भी CPU आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपके जो है ये फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने रीड इन्फो पर क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। ये आपको इसकी इन्फो निकाल। अब आपने यहाँ पे USB लगानी है और चारों बटन दरमियान वाले प्रेस करके लगानी है। बाज़ औक़ात ये ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता SPD का कोई भी फ़ोन, तो आपने ये दरमियान वाले चार बटन इकट्ठा प्रेस करके केबल लगानी है, तो फिर आपका ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये रीड इन्फो के नीचे एक रीड अनलॉक का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आपने स्टार्ट करना है। तो ये देखें, ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपने इंतज़ार करना है थोड़ा सा। बाज़ औक़ात बूट अगर गलत सेलेक्ट हो तो एरर आ जाता है इस तरह का। तो ये मैंने पहले 6531 सेलेक्ट किया हुआ था, हम अब इसको 6631 SP कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा आपने रीड अनलॉक और स्टार्ट का बटन। यहाँ पे आपने अब थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो ये देखिए, अनलॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको इसकी इन्फो और इसके जितने भी कोड्स वगैरह हैं वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये देखें, इसका स्क्रीन लॉक आ गया है, इसका अनलॉक कोड आ गया है, और उसके बाद दूसरा स्क्रीन लॉक और प्राइवेसी कोड और अनलॉक कोड, ये सारे कोड इसने आपको निकाल के दे दिए। अब आप फ़ोन को ऑन करके उसमें ये कोड लगाएंगे तो ये फ़ोन आपका जो है ऑन हो जाएगा और अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ओरिजिनल इसका जो पासवर्ड होता है 123 डिफ़ॉल्ट, वो आ जाएगा। तो मैं इसको अभी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो इस पे जो है आप पासवर्ड लगाएंगे, फर्स्ट वाला भी नहीं, सेकंड वाला भी नहीं। आपने यहाँ पे जो पासवर्ड लगाना है वो लास्ट वाला जो 6 डिजिट का पासवर्ड है वो आपने लगाना है। तो ये लास्ट वाला पासवर्ड मैं इस पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसको ओके करें। तो ये पासवर्ड इसने एक्सेप्ट कर लिया है और ये मोबाइल आपका ऑन हो रहा है। तो अब आपने इसको रीस्टोर करना है। आप इसकी सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद ये फ़ोन सेटिंग और नीचे रीस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे आपने वही पासवर्ड लगाना है, लास्ट वाला जो आपने हमने निकाला था, लास्ट 6 डिजिट वाला। ये पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपका जो है फ़ोन रिस्टोर हो जाएगा और इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कंपनी से 123 लगा होता है वो आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।